तो भाई एशिया के सबसे बड़े रावण के पास चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े रावण के पास जो लाइट्स लगा रखे ना, कितनी शानदार लगाई हुई है, काफी हाइट रहने वाली है। तो एंट्री गेट देख सकते हो भाई साहब, कितना शानदार बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। रामलीला का मंच दिख जाता है कितना ही। कुछ साल में शायद एक दो साल पहले लगभग मोदी जी भी यहाँ पे आए। छह छक्के लगाने पर आईफोन, छह छक्के लगाने पर आईफोन, क्या बात है भाई, ब्रांड न्यू मिलेगा, ब्रांड न्यू, हाँ वर्किंग में मिलेगा। तो 10-10 रुपए में जो आपको सेल मिलने वाली है, शायद आई थिंक गर्ल्स के ही कलेक्शन रहने वाले हैं। देखो ये भी 100 रुपए में है, 500 रुपए इनाम, 500 रुपए इनाम, पक्की बात है ना, एकदम पक्की बात, क्या बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी को नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ एशिया का सबसे बड़ा रावण। दोस्तों देख सकते हो भाई, एशिया का सबसे बड़ा रावण दिल्ली के अंदर लग चुका है और 212 फीट का रावण रहने वाला है। तो भाई दिल्ली शहर में पहली बार लगने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा रावण, तो इसे भी आप देख सकते हैं। बाकी पीछे मेरे देखिए, रामलीला मंच इतना ही शानदार बनाया हुआ है, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ आ करके रामलीला का एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है दशहरा का सबसे बड़ा मेला भी लगाया गया है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल देंगे, यहाँ की टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, रामलीला कितने बजे स्टार्ट होती है, सब कुछ बताने वाले हैं और यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह देखने मिलेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेक्टर 10 के मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा आगे आएंगे आपको, देखो यहाँ पे मेले की सारी लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे देखो बोर्ड भी लगाया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा 12वां रामलीला मंचन एवं भव्य मेला, जो कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 12 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है, रात के 8 बजे से 12 बजे तक। किसकी टाइमिंग रहती है, प्रॉपर लोकेशन देखो यहाँ पे बताई हुई है, DDA ग्राउंड सेक्टर 10 द्वारका मैक्स हॉस्पिटल के पास। तो काफ़ी शानदार रहने वाला है, चलो फटाफट से अंदर एंट्री लेते हैं और एंट्री गेट बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई मतलब द्वारका में सबसे बड़ा रावण लग चुका है विश्व का, आपका भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई देखने के लिए। आपको भी दिखाने वाला हूँ किस तरीके का रावण वगैरह है, समझ गए भाई। ये देखो भाई कैसे चलते हुए जा रहे हैं, देख रहे हो भाई इतने ज़्यादा एक्साइटेड। तो दोस्तों एंट्री गेट देख सकते हो भाई साहब, कितना शानदार बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, देख रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के प्रांगण में आपका स्वागत है, गेट नंबर 2 रहने वाला है, यहीं से आपकी जो एंट्री होने वाली। चलो भाई चलते हैं मेले के अंदर, और अंदर जाने की भाई कोई एंट्री टिकट नहीं है, आपको जो है फ्री में एंट्री मिल जाती है। देखो भाई अंदर एंट्री करते सबसे पहले हमें ना रामलीला का मंच दिख जाता है, कितना ही शानदार बनाया हुआ है, देख सकते हो भाई बहुत ही शानदार लग रहा है। और देखो बैठने के लिए काफ़ी सारे जो आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी। रावण देखो भाई, एशिया का सबसे बड़ा रावण आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए स्टेज चेक करो, रामलीला का जो स्टेज है ना कितना ही शानदार बनाया हुआ है। यहाँ पे आप 3 तारीख से जो है रामलीला बैठ करके देख सकते हैं। रामलीला की जो टाइमिंग रहने वाली है, शाम के जो है 7-8 बजे जो है रामलीला स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे शायद आई थिंक VIP लोग बैठते हैं, ये VIP सीट रहने वाली है। पीछे देखो कितनी पीछे तक चेयर लगा रखी है, ये देख सकते हैं वहाँ तक आपको पीछे जो है चेयर ही चेयर मिलने वाले। तो यहाँ पे आप जो है नॉर्मल लोग भी बैठ के जो है रामलीला का इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। अभी जो रामलीला है वो रात के 8 बजे से रात के 12 बजे तक चलने वाली है, और मेले तक पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 10 का होगा, मेट्रो से आप वॉक करके आ सकते हैं। तो दोस्तों सामने देख सकते हो रामलीला का जो मंच है वो मैंने आपको पास से दिखा दिया भाई। यहाँ पे ना कितने भी लोग आ जाए, देखो एक बार कैपेसिटी देखो बैठने की भाई, कितनी ज्यादा रहने वाली है, बहुत ज्यादा, 4-5 हज़ार लोग, 4-5 हज़ार लोग भाई आराम से आ जाएंगे, देख रहे हो। और सब जगह जो है आपको चेयर देखने मिलेगी, आगे जो सोफे पर वहाँ पे साथ VIP जो है ना राहुल है ना, वो आगे शायद VIP जो हमारे नेता वेता लोग, MLA लोग और यहाँ के जो कार्य सोसाइटी के लोग होंगे, हाँ, उनका वो आगे बैठे बिल्कुल। राहुल मेरे को लग रहा है ना एक बार मोदी जी भी आए थे यहाँ पे रावण का मतलब दहन करने, पिछले कुछ साल में शायद एक दो साल पहले लगभग मोदी जी भी यहाँ पे, मोदी जी भी आए थे दहन करने। वो वहाँ नहीं गए थे पहली बार, वो लाल किला में या फिर जो जहाँ पे अमूमन सारे प्रधानमंत्री जाते थे लाल किला थे, वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पे आए थे। तो इस बार भी चांस है, क्या पता रावण दहन करने यहीं पे आए मोदी, शायद हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रामलीला प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी की देखो यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है भाई, लोग ना जो है रामलीला की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से करना है ये देख सकते हैं, सारे यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। लो भाई एशिया के सबसे बड़े रावण के पास चलते हैं, और एकदम पास से आपको क्लोजअप वाला लुक दिखाने वाले हैं। इसके अंदर भाई लाइट्स कितनी शानदार लगाई है यार, राहुल मस्त लग रहे हैं लाइट्स, तो देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार देखने में, तो देख सकते हो सबसे बड़े रावण के पास आ चुके हैं, देख रहे हो भाई एक बार इसका पैर चेक करो भाई रावण का, ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं रावण के पाँव देख सकते हैं भाई कितने बड़े हैं, और एकदम क्लोजअप लुक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 212 फुट का अप्रोक्स 212 फुट का रावण रहने वाला है, कितना ही शानदार लग रहा है भाई। इसमें जो लाइट्स लगा रखे हैं ना कितनी शानदार लगाई हुई है भाई, बहुत ही सुंदर, मतलब दिल्ली में पहली बार एशिया का सबसे बड़ा रावण देखने को मिलेगा, जो कि अप्रोक्स 212 फीट का रहने वाला है। और इसके जो पाँव है ना भाई वो भी कितने बड़े रहने वाले हैं भाई, लोग वगाए हुए अपना फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो बच्चे भी आए हुए हैं भाई, बच्चे भी फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं भाई। ये था एशिया का सबसे बड़ा रावण, बहुत ही क्लोज जा करके हमने देखा भाई, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में पहली बार कुछ इस तरीके का रावण बनाया गया है, तो भाई नॉर्मल ही रावण बना करते थे, एशिया का सबसे बड़ा रावण जो है आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखो
बहुत ही शानदार भाई, काफ़ी हाइट रहने वाली है भाई, 212 फीट का अप्रॉक्स बता रहे हैं ये। तो आप भी आओ भाई अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, फोटोज़ वगैरह लो, काफ़ी शानदार रहने वाला। बाकी दशहरा के दिन यहाँ पे रावण दहन देखने आ सकता है, काफ़ी शानदार रहेगा आपके लिए। ये था सारा आपका रामलीला वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे रामलीला वगैरह बैठ करके इन्जॉय कर सकते हैं। उधर हमने आपको एशिया का सबसे बड़ा रावण दिखा दिया, अब इधर देखो आपको जो है झूले वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, आपके पधारने पर हार्दिक धन्यवाद। चलो अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेले के अंदर आपको झूले काफ़ी सारे देखने मिल जाएंगे। इस तरफ देख सकते हो भूत बंगला है, जाइंट व्हील है, बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले हैं जो कि हाथों से चलाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों वाले। उसके साथ आपको नाव वाले झूले हैं, रेंजर झूला है, इधर की तरफ काफ़ी सारे मतलब झूले देखने के लिए मिलेंगे। उधर देखो एक और जाइंट व्हील है, उधर एक और नाव वाला झूला मिल जाएगा। तो जो है झूले भी काफ़ी सारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके की ना बुक्स की सेल्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको शॉपिंग के भी जो है काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप क्रॉकरी की काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, प्लेट वगैरह देख सकते हैं, चम्मच वगैरह देख सकते हैं। मात्र 10-10 रुपये में जो आपको सेल मिलने वाली है, ये देखो मात्र 10-10 रुपये में प्रोडक्ट रहने वाले हैं। ये 10-10 रुपये के चम्मचें ले सकते हैं, 200 रुपये की सेल है, 150 की है। इस तरीके से काफ़ी सारे सेल वाले आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर देख सकते हैं 40-50 रुपये की है, 30-30 रुपये की आपको प्लेटें वगैरह कटोरियाँ वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। देखो 30 रुपये की सेल रहने वाली है, ये 30-30 रुपये में आपको सारा मिलने वाला है। दोस्तों झूले के टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो जो बड़े बड़े झूले हैं उनके 100 रुपये की टिकट रहने वाली है। बाकी कुछ झूलों की 70 रुपये की रहेगी, बच्चों के जो झूले हैं 30-40 और 50 रुपये की टिकट रहने वाली है। इधर देख सकते हैं आपको ब्रेक डांस भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ना सॉफ्ट टॉयज़ की भी काफ़ी सारी वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो इस तरीके के सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह ले सकते हैं। भैया क्या प्राइस रहते भैया इनके? 150। कितने में? 150 के दो रहने वाले, कोई से भी ले लो इनमें से। ये देखो दोस्तों 150 के दो मिलने वाले हैं, इनमें से कोई से भी ले सकते हैं। काफ़ी तरीके के यहाँ पे आपको सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप बड़े में लेना चाहें तो बड़े भी मिल जाएंगे। देखो दशहरा आ रहा है, दशहरा के लिए आपको धनुष मिल जाएगी, तलवार मिल जाएगा, इस तरीके की चीज़ें भी आप गदा वगैरह ले सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो बंदूकें वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, ये देखिए डमरू मिल जाएगा। इधर देखें तो आपको खिलौने वगैरह भी मिल जाएंगे, इस तरह गाड़ी वगैरह लेना चाहें गाड़ी वगैरह ले सकते हैं। शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर देख सकते हो गर्ल्स के लिए आपको पर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरीके से प्रिंटेड वाले पर्स होते हैं, ये देखो पर्स वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी प्रिंटेड डिज़ाइन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स आ रही हैं तो उनके शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। तो रिंग वगैरह मिल जाएगी। अंडी रिंग के क्या प्राइस रहते हैं इनके? क्या हाँ ढाई सौ वाली भी है, ठीक है 150। अच्छा वो ये सारी कोई से भी ले लो, 150 रहेगा। ये बड़ी वाली 250 की है, ठीक है, इस तरीके से इनकी वैरायटी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो काफ़ी सारा जो है गर्ल्स का आपको कलेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। इनके क्या प्राइस रहते हैं आंटी जी? इनके क्या प्राइस रहते हैं? 750 का ये वाला है, इस तरीके के साइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो शॉपिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो 20-20 रुपये की सेल मैंने दिखाई थी, इस तरीके से गर्ल्स के आपको सारे कपड़े वाले कलेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आपको ज्वेलरी वाले काफ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट इस तरीके के जो होते हैं रिंग वगैरह, ये देखो काफ़ी सारे रिंग वगैरह, वॉच वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। भाई वॉच के क्या प्राइस लगा रखे हैं भाई? 150 कोई से भी ले लो, ये देखो 150 रुपये में कोई से भी वॉच ले सकते हैं। ये ले लेनी चाहिए थी ना भाई, वही मैं पागल हो रहा, कितने 250 के दे रहे थे उधर, 200-250 के दे रहे थे यहाँ, मेले में सही है यार, मेले में सही। ये देखो 150 की ले जाओ भाई, कोई से भी ले सकते हो। इसमें बच्चों की है, गर्ल्स की मिल जाएगी, बॉयज़ की मिल जाएगी, सारी जो कलेक्शन लगा रखे हैं। गोगल्स के कलेक्शन देख सकते हो भाई साहब, चश्मे कलेक्शन कितने सारे लगा रखे भाई। ये क्या प्राइस के हैं चश्मे? 150-200। ये इस तरीके के अलग अलग रेंज के मिल जाएंगे आपको। बाकी देखो कलेक्शन चेक कर सकते हो यार। देखो भाई आपको ना कपड़े वाली सेल भी देखने को मिल जाएगी। देखो 100-100 रुपये में सेल लगा रखी है। ये सारे शायद आई थिंक गर्ल्स के ही कलेक्शन रहने वाले हैं। देखो ये भी 100 रुपये में है, सामने भी आपको 100 रुपये में देखने को मिल जाएगी। ये सारे 100-100 रुपये में सेल रहने वाला है। इसी के सामने आपको उस तरफ भूत बंगला देखने को मिल जाएगा। भूत बंगले के जस्ट बगल में आपको सारे गेम्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे देखो रिंग वाला गेम है, रिंग वाले गेम रहने वाले हैं। एक बार पता कर लेते हैं भाई से कितने रुपये में कितनी रिंग रहती है। रिंग मतलब जितनी रिंग रहेगी उतने आपको चांस मिलेंगे, जिस भी प्रोडक्ट पर आप डाल देंगे वो आपको। भाई कितने रुपये कितनी रिंग रहती है? 100 के 6 रिंग रहती है भाई, 100 के 6 चांस मिलने वाले हैं। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पर आप डाल देंगे ना वो आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी लगा रखे हैं भाई ने, देखो 100 रुपये में आप एयरपोर्ट्स भी लेके जा सकते हो, और 20-50 रुपये इस तरीके के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारे गेम खेल सकते हैं यहाँ पे, आपको चांस हुआ बॉल वाला गेम देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं कितने रुपये में कितनी गेंद मिलती है भाई, सब पता कर लेते हैं। मेरे भाई 6 छक्के लगाने पर आज आप 6 छक्के लगाने पर आईफोन, 6 छक्के लगाने पर आईफोन, क्या बात है भाई, ब्रांड न्यू मिलेगा, ब्रांड न्यू वर्किंग में मिलेगा, वर्किंग मिलेगा भाई 36 रुपये। ये देखो भाई इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर आ गए तेरे। अच्छा क्या बात है भाई, मेरे इंडिया में कितने रुपये में कितने गेंद है भाई? 100 रुपये में 6 गेंदे हैं, 6 गेंदे भाई। ये नंबर आपको मिलाने होते हैं, नंबर प्लस करके नंबर बना रहे हैं।
नंबर प्लस करके नंबर मिलाने हो तो इसमें सारे इनाम मिलने वाले हैं। आईफोन भी लेके जा सकते हो भाई, मेरे ध्यान है। क्या बात है, इस तरफ देखो। ₹100 का आपको वन चांस मिलेगा। गिलास गिराने होंगे, गिलास गिराने पर ₹500 इनाम। पक्की बात है ना, एकदम पक्की बात। क्या बात है भाई, देखो ₹100 में एक चांस मिलेगा, सारे गिलास गिराते तो आपको ₹500 इनाम देगा। मार भाई थार भी ले सकते हैं, ये देखो भाई थार भी मिल जाएगी आपको, इस तरीके की मिल जाएगा। भूत बंगला जा सकते हैं, कार को निशानेबाजी भी कर सकते हैं आप। ये देखिए निशानेबाजी करने के लिए होता है, ये कोई इनाम वगैरह नहीं होते भाई। कितने रुपए में कितने चांस मिलते हैं? 100 के 10 चांस मिलेंगे भाई। आप यहाँ पे ना शॉटबाजी कर सकते हैं, निशानेबाजी कर सकते हैं, लक अजमा सकते हैं अपना। कोई इनाम वगैरह नहीं रहता ना, इनाम वगैरह नहीं रहता, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आपको ये स्टिंग कार वाला भी देखने के लिए मिल जाएगा, सारे भाई खतरनाक खतरनाक झूले देखने के लिए मिल जाएंगे। आप 3 तारीख से लेकर के दशहरा तक आप कभी भी आ सकते हैं, बिल्कुल एकदम शानदार मेला लगाया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा रावण देखना चाहते हैं भाई, यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो बस भाई आज के इस ब्लॉग में इतना ही। होप करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार मेला लगाया गया है। अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाओ भाई, एंजॉय करो, दुनिया का भैया विश्व का सबसे बड़ा रावण देखो और फोटोज वगैरह क्लिक कराओ। हमारे चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आते रहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।